दोस्तों, हमारे देश में गजब खेल चल रहा है। हम सब हिंदुस्तानी हैं, इसीलिए हिंदुस्तान में किस तरह का खेल चल रहा है जरा हम लोग नजर डाल लेते हैं। देखिए, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार करने वाले एनसीबी ऑफिसर, फंसाने वाले एनसीबी ऑफिसर, वो खुद उल्टा अब फंसने जा रहे हैं, खुद उल्टा फंस रहे हैं। अभी आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस वीडियो पर एक झलक नजर डाल लीजिए। देखिए, ये छत्तीसगढ़ जशपुर की वायरल वीडियो है। मूर्ति विसर्जन के दिन, दुर्गा विसर्जन के दिन हिंदू भाइयों को कुचलने का काम किया है। दोस्तों, ये खबरें और ये वीडियो शायद आप लोग देख चुके होंगे, इसीलिए अभी मैं सिर्फ फर्क बताऊंगा कांग्रेस राज और भाजपा राज में क्या अंतर है। देखिए, ये लोग कार के अंदर, दो लोग हैं, आरोपी हैं, गांजा लेकर कहीं जा रहे थे, भाग रहे थे या कुछ भी कह लीजिए, लेकिन लोगों को कुचल कर भाग रहे थे। 1 घंटे के अंदर छत्तीसगढ़ में 1 घंटे के अंदर पकड़ा गया। लेकिन लखीमपुर खीरी में जिसने किसानों को कुचल कर भागा था, उसके घर घर के बाहर पोस्टर चिपका रहे थे। इस तरह लग रहा था, देखिए वहाँ भाजपा राज है, इस तरह लग रहा था शादी में इनवाइट कर रहे हैं किसी को। लेकिन देखिए किस तरह से छत्तीसगढ़ जहां कांग्रेस राज है, 1 घंटे के अंदर दोनों को दबोच लिया गया। लेकिन बहुत अच्छा हुआ, वहां के पुलिस वालों को मैं सल्यूट और धन्यवाद अदा करना चाहता हूं, क्योंकि 1 घंटे के अंदर दोनों आरोपी को दबोच लिया गया है। अगर पकड़े नहीं जाते तो शायद गोदी मीडिया हिंदू और मुस्लिम का एंगल दे देते, ये कहने लगते कि देखो हिंदुस्तान में हिंदू त्यौहार नहीं मना सकता है, मूर्ति पूजा नहीं कर सकता है, किस तरह मुसलमान, या जिस तरह वो एंगल देते उस तरह कहते कि देखो किस तरह इन लोगों पर हमला किया जा रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, वो लोग पकड़े गए हैं। तो दोस्तों, यही है भाजपा और कांग्रेस राज में अंतर। अब आइए शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के बारे में। देखिए, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, नवाब मलिक साहब ने बहुत बड़ा खुलासा किया है और पहले भी करते आ रहे हैं। शाहरुख खान से निजी बदला के लिए एनसीबी ऑफिसर ने आर्यन खान को गिरफ्तार किया है, अंदर किया है निजी बदला के लिए। और गवाह, आर्यन खान के खिलाफ जिसे गवाह बनाया है, वो एनसीबी ऑफिसर के करीबी हैं, करीबी माने जा रहे हैं सोशल मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, आप लोगों को बता रहा हूं। और नवाब मलिक साहब ने भी ये बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है कि उनके करीबी हैं, और करीबी जो होते हैं, रिश्तेदार जो होते हैं, उनकी गवाह कबूल नहीं होती है, कबूल नहीं की जाती है। तो दोस्तों, इसी तरह सोशल मीडिया पर अभी हंगामा है और लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या कोई और नहीं मिला था, अपने करीबी को गवाह बना लिया आर्यन खान को फंसा कर शाहरुख खान से निजी बदला लेने के लिए। इस तरह एनसीबी ऑफिसर को घेराव कर रहे हैं लोग, बहुत बड़ा बड़ा सवाल कर रहे हैं और एनसीबी ऑफिसर घेरे में आ रहे हैं। दोस्तों, कुल मिला जुला करके ये साफ तौर पर ये समझ लीजिए कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान बिल्कुल बेकसूर है। दोस्तों, आप लोग क्या कहना, बारे में क्या राय देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है, आप राय दे सकते हैं। और जो लोग नए आए हैं इस चैनल पर, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए।